हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष रिदमिक इक्विपमेंट की तरफ से। आज हम लोग बात करेंगे हमारे DX231S के ऊपर, जो कि हमारा 31 बैंड का एनालॉग ग्राफिक है। आज हम लोग जानेंगे कि इस इक्वलाइज़र को हम कैसे एडजस्ट करें ताकि हमारी साउंड की क्वालिटी अच्छी आए। सबसे पहले हम इसे कैसे अपने एम्पलीफायर और मिक्सर के साथ अटैच करें ये जानना होगा। फ्रेंड्स, हमारे मिक्सर का जो आउटपुट है वो इस ग्राफिक के इनपुट में जाएगा और इसका जो फिल्टर किया हुआ साउंड है, मतलब इसका जो आउटपुट है वो हमारे एम्पलीफायर के इनपुट चैनल 1 और 2 में जाएगा। इसका जो चैनल 1 है एम्पलीफायर के चैनल 1 में जाएगा, इसका जो चैनल 2 है वो एम्पलीफायर के चैनल 2 में जाएगा। अब हम एम्पलीफायर, मिक्सर और ग्राफिक तीनों में पावर देंगे जिससे कि हमारा ये जो तीनों इक्विपमेंट है एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए, और हम कोशिश करेंगे कि एम्प और ग्राफिक को बूस्ट करते समय हम एक्सेलर टाइप मेल फीमेल प्लग का यूज़ करें। आप इसमें TRS जैक का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप मेल फीमेल का यूज कीजिएगा तो वो बहुत ही अच्छा होगा। ये हमारा हो गया कि हम इस ग्राफिक को अपने एम्पलीफायर और मिक्सर के साथ कैसे बूस्ट करें। तो हमारा बैक साइड इसका, इस ग्राफिक का कंप्लीट हो गया। एक्चुअली बैक साइड में इतना ज़्यादा इसका कनेक्शन किया हुआ है और इसी के लिए मैंने इसको निकाला भी नहीं। मैं आपको, जो DBX यूज करते हैं वो जानते हैं इसको कैसे कनेक्ट करें, फिर भी मैंने आपको बता दिया कि इसको हम कैसे कनेक्ट करें। तो ये हमारा हो गया बैक साइड। अब हम लोग बात करते हैं इसके फ्रंट साइड की। तो इसमें 4 लेवल इंडिकेटर हैं दिए हुए हैं जो कि हमें इस ग्राफिक के आउटपुट लेवल को शो करता है। उसके बाद एक फ्लिप का लेवल है जो कि ये जब ओवरलोड या ओवर बैलेंस्ड आउटपुट जब हमें देता है तो ये क्लिप का बटन ऑन हो जाता है और ये क्लिपिंग करते रहता है साउंड के साथ में। ये हमारा इनपुट गेन का वॉल्यूम है, ये आप देख सकते हैं। हम इसे जितना बढ़ाएंगे हमारे साउंड की क्वालिटी उतनी ही बढ़ेगी। और इसके बाद क्यू बाईपास, मतलब इक्वलाइज़र बाईपास, हम लोग अगर इस बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा ये जो ग्राफिक है ये बाईपास हो जाएगा। मतलब हमने इसमें जो बैलेंस्ड किया है वो इस बटन को प्रेस करने के बाद ऐसा हो जाएगा कि जैसे हमने अपने एम्पलीफायर के साथ में ग्राफिक लगाया ही नहीं है, ऐसा साउंड आने लगेगा। मतलब ये बाईपास हो जाएगा। उसके बाद ये लो कट का बटन है, लो कट को जब हम लोग प्रेस करेंगे तो इस ग्राफिक की जितनी लो फ्रिक्वेंसी रहेगी वो उसको कट कर देगा। और उसके बाद आता है रेंज प्लस माइनस 12%। रेंज के बटन को प्रेस करेंगे तो प्रेस करते ही साउंड की फ्रिक्वेंसी में 12% की बढ़ोतरी हो सकती है या फिर 12% फ्रिक्वेंसी में कमी आएगी। ये अब हम जानते हैं ये आउटपुट लेवल हो गया, क्लिप हो गया, इक्वलाइजर बाईपास हो गया, गेन हो गया, लो कट हो गया, रेंज हो गया। अब हम लोग इसके स्लाइडिंग फेडर्स पे आते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं 20 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी बैंड है, इसके बाद 25 है, 31.5 है, 40 है, 50 है, 63 है, 80 है, 100 है। 20 से लेके 100 तक हमें लो फ्रिक्वेंसी मिलेगी जिसमें कि हम इसके लो फ्रिक्वेंसी यानी कि बेस को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। जैसे कि हमें डीप बेस चाहिए, लो बेस चाहिए, मिड बेस चाहिए, अपर बेस, जैसा भी चाहिए। 20 हर्ट्ज से लेके हम 100 हर्ट्ज तक अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमें अपने बेस में कैसी क्वालिटी चाहिए तो इसे अप डाउन करके हम लोग उसको सेट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा हो गया 100 हर्ट्ज से लेके 500 अगर हम ले लेते हैं तो 100 हर्ट्ज हो गया, 125 हो गया, 160 हो गया, 200 हो गया, 250 हो गया, 315 हो गया, 400 हो गया, और फिर लास्टली तो हमें 100 हर्ट्ज से लेके 500 हर्ट्ज तक हमें लो मिड फ्रिक्वेंसी मिलेगी जिससे कि हम अपने बेस के लो में हमें कितना मिड डालना है ये एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं 500 से लेके 2K तक आपको अपने टॉप में कैसी मिड क्वालिटी चाहिए ये सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर सीधे शब्दों में कहा जाए तो आप इसमें वोकल को ट्यून कर सकते हैं कि आपको अपने वोकल को कैसे एडजस्ट करना है। तो फ्रेंड ये हो गया। आता है हमारा 2 किलो हर्ट्ज से लेके 5 किलो हर्ट्ज तक।
टू के बाद 2.5, 3.15, 4K, 5K तक हम मिड हाई फ्रिक्वेंसी को एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें हम लोग अपने 2K से लेके 6.3 तक हम लोग मिड फ्रिक्वेंसी को एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं 6.3 से लेके 16K तक, मतलब 6.3K हो गया, 8K हो गया, 10K हो गया, 12.5K हो गया और 16K तक हाई फ्रिक्वेंसी एडजस्ट करते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ट्यूटर के लेवल को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे 16K और 20K होता है, 16K और 20K, जिससे कि हम अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी एडजस्ट करते हैं, मतलब हमारे HF का बहुत ज़्यादा शार्प और क्लियर हो जाता है। अगर हम लोग 20K और 16K को उठाते हैं तो हमारे HF का शार्प और भी क्लियर हो जाता है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा होगा। इसके बाद भी अगर आपके मन में और भी सवाल हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ना भूलें। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो हमारी आप तक सबसे जल्दी पहुंचे और सबसे पहले भी पहुंचे। उम्मीद है मैंने ये जो DBX का रैक जो है हमारे सामने जो रैक है इसका हमने DBX का 231S का जो हमने रिव्यू दिया है उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हिंदी में पहली बार है जिसमें पर्टिकुलर हर वॉल्यूम बटन और फिल्टर के बारे में आपको बताया गया है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और अगर आपके मन में मेरे प्रति कोई सुझाव है जिससे हमारी वीडियो और अच्छी हो सके तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।